तो अपने को सबसे पहले इसका चैम्बर बैरिंग बदलने होंगे। ये पुराने वाले चैम्बर बैरिंग है और ये नए हैं, तो पुराने वाले चैम्बर बैरिंगों को रखते हैं इधर। और ये इसमें पहले अपने को चैम्बर बैरिंग बदलना होता है, तो चैम्बर बैरिंग को लगा लेते हैं इसके अंदर। चैम्बर बैरिंग बदल लिया है और ये इसके गियर चेंजर गियर पॉर्क, तो इसमें न्यूट्रल पट्टी हमने नहीं लगा दी है। और अब बारी है इसमें गियरों को फिट करने की। तो सबसे पहले अपने को ये गियर बॉक्स को हमने पहले फिट कर लिया है। और गियर बॉक्स का अलग से वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से लगाना आपको इस पिनियन को, पहले इसको लगाना है और उसके बाद में ये वाला जो ये वाली सापट है इसको लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और आपको ये वाला जो वार्सल देख रहे हो इसका खास कर ध्यान रखना है। और आपको इस तरीके से यहाँ पे अंदर इसको आसानी से फिट कर लेना है। ये गियर बॉक्स ना आसानी से बैठ चुका है, बिल्कुल सही तरीके से ये देख सकते हो गियर बॉक्स सही से काम कर रहा है अपना। और उसके बाद में अपने को लगा लेनी है, ये गियर बॉक्स फिट हो चुका। ये किक साफ्ट के रेचेट को आपको पहले चेक कर लेना है, रेचेट सही है इसका। तो ये किक साफ्ट फिट हो चुकी। उसके बाद में अपने को अपनी बारी आती है क्रेन की। तो क्रेन को पहले अपने को ये अपने नई क्रेन बनवा ली है, इसमें दोनों बैरिंग और बिगन ओरिजिनल हीरो जेनियन का चेंज करवाया है। तो पहले आपको क्रेन के अंदर थोड़ी बहुत ऑयलिंग कर लेनी है इस तरीके से, ऑयल डाल के इसमें थोड़ी बहुत मुंह से हवा दे देनी है। ये बिगन में से ऑयल निकल चुका है, ये देख सकते हो इसका बिगन बिल्कुल सही हो गया है। और अब बारी है इसको फिट करने की। तो ये क्रेन के बेरिंगों के थोड़ा बहुत ऑयल लगा लिया हमने, और ये क्रेन भी अपनी ये फिट हो चुकी है, ये देख सकते हो क्रेन बिल्कुल सही से काम कर रही है। और गियरों को पूरी तरीके से हमने सेट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे आता है एक छोटा वाला ये वाला वार्सल, तो इस वाले वार्सल को भी आपको यहाँ पे लगा लेना है। अब बारी है पैकिंग लगाने की, तो पैकिंग लगा लेते हैं इसके। तो आपको इस तरीके से थोड़ी बॉन्ड ले लेनी है, इस तरीके से अंगुली के लगानी है आपको, ये नहीं कि इसके ऊपर लगाओ, ये गलत है। तो आप तभी भी बॉन्ड का यूज़ करो, ये पुराना इंजन है इसलिए हमें इसमें बॉन्ड का यूज़ करना पड़ रहा है, वरना हम बॉन्ड का यूज़ नहीं करते हैं। पैकिंग के ऊपर आपको इस तरीके से पूरी पैकिंग के ऊपर इस तरीके से लेप कर लेना है बॉन्ड का थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हो इस तरीके से हम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी बॉन्ड का लेप करना है, अंगुली के ऊपर बॉन्ड लेनी है और इस तरीके से आपको पूरी पैकिंग को गीला कर लेना है इस तरीके से। अब बारी है इसको लगाने की, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे पैकिंग को लगा लेना है। ये आपको जो ये वाला वार्सल होता है ये यहाँ पे लगा लेना है। और अब बारी है इसके इस वाले चैम्बर को फिट करने की। तो इस वाले चैम्बर के अंदर भी अपन बैरिंग फिट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अपने को ये नया वाला बैरिंग है, इसमें बैरिंग चेंज कर रहे हैं अपन। तो हमने चैम्बर के अंदर ये दोनों बैरिंग नए चेंज कर दिए हैं। अब बारी है चैम्बर को फिट करने की, तो चैम्बर को भी इस तरीके से अपने को फिट कर लेना है। गियर डॉक को थोड़ा इधर फुस करना है आपको, और ये अपना चैम्बर भी फिट हो चुका है। चैम्बर फिट होने के बाद अपने को सबसे पहले इसे उल्टा करना है और इसके ये पूरे नट कसने हैं। ये इसके पूरे बोल्ट कस लिए हैं हमने, और अब आ रही है इंजन को इधर करने की। तो अब क्रेन की पोजीशन देख लेते हैं।
ग्रेन भी सही से चल रही है अपनी, और ये गियर की टाइमिंग करके टिक की टाइमिंग पे गियरों को भी देख लेते हैं, गियर भी अपने सही है। वो गियर की सापट डाल के अपन गियर चेक करते हैं पहले, तो इसमें लगा लेते हैं अपन गियर सापट में, नहीं लगाने वाले हैं। तो गियर सॉफ्ट के ऊपर अपने को थोड़ा बहुत ऑयलिंग कर लेनी है पहले, इस तरीके से आपको ऑयल लेना और ऑयलिंग कर लेनी है, और ये गियर सापट को इस तरीके से गियर डॉक को पहले आपको इधर ले लेना है, गियर सापट को, ये गियर सापट अपनी फिट हो चुकी है। ये हमने इसकी जो गियर सापट है ये डाल दिए, बारी है गियरों को सेट करने की। तो अपने पास एक तो ये वाली होनी चाहिए जो तारा वाला चक्रा आता है, और एक इसकी पत्ती आती है ये वाली। तो अपने को इसकी जो ये दोनों पिने हैं ये हमने निकाल रखी है, तो पहले अपन इनको लगा लेते हैं इस तरह से। ये दोनों लग चुकी है, और अब बारी है अपने को इस पत्ती को सेट करने की। तो इस पत्ती को अपने को इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है, और ये वाला तारा पत्ती वाला वर्ष रहता है इसको, इसका बोल्ट लगाने की। तो इसमें ये ब्लैक वाला बोल्ट होता है इसके ऊपर 10 नंबर का, इसमें लगा लेते हैं। ये इसके गियरों का काम हमने कंप्लीट कर दिया है, ये गियर सिलेक्टर और गियर की ये गियर डॉग सब कंप्लीट, सारा सब कुछ सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है इसके, इससे पहले आपको किक की टाइमिंग मिलानी नहीं है। तो किक टाइमिंग किस तरह से मिलाते हैं, ये देखो इस तरीके से आवाज़ कर रहा है ये, तो ये देख सकते हो गियर इस तरीके से आवाज़ कर रहे हैं, किक की आवाज़ आ रही है। तो अपने को इस आवाज़ को किस तरीके से रोकना है, ज़रा पास ला के दिखाओ इस आवाज़ को किस तरीके से, ये देख सकते हो इसमें किस तरीके से आवाज़ आ रही है, ये किरकिर की आवाज़ आ रही है इसमें। तो इस किक की टाइमिंग को बिठाने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको किक को थोड़ा सा उठाना है ऊपर, और जो यहाँ पे अंदर की तरफ जो रेचिट होता है उसके ऊपर रेचिट को थोड़ा सा चढ़ा देना है, और फिर ये देख सकते हो अपने गियर फ्री हो गए। और अपने को किक की टाइमिंग मिलाने के लिए सबसे पहले जो ये वाले मार्कर है इसके अंदर देख रहे हो, ये वाला होल बिल्कुल बारीक है, और इसके ऊपर ये इधर की तरफ ये वाला होल, यहाँ पे ये एक होल है यहाँ पे, ये वाला ये देख सकते हो मेरी उंगली के आगे है बिल्कुल। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लेना है, यहाँ पे इस होल की सिद के अंदर यहाँ पे रखना है इसको, और जो अपनी स्प्रिंग होती है इसको पेचकस की मदद से इसके ऊपर यहाँ पे लगा लेना है, और रेचेट को नीचे की तरफ धक्को देना है इस तरीके से। ये अपनी किक की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई है। और अब बारी है इसका जो ये वाला लॉक लगाने की, तो इस वाले लॉक को भी अपन बड़ी आसानी से इस तरीके से चौंच प्लास के अंदर डाल के, और इस वाले लॉक को भी यहाँ पे बिठा देते हैं। ये वाला लॉक भी अपना बैठ गया, किक हो चुकी अपनी सेट। और अब बारी इसके गियर चेक करने की, तो गियरों को भी चेक कर लेते हैं इसके। तो इसको इस तरीके से रखना है अपने को इंजन को, और ये अपने पास गियर सापट है, तो गियर सापट को इसके अंदर, गियर सापट के अंदर लीवर को लगाकर अपन इसके गियर चेक कर लेते हैं एक बार। ये देख सकते हो इस टाइम बिल्कुल फ्री है। अब अपने को 10 की टाइमिंग लेनी है, और जो इधर की तरफ ये 10 नंबर का बोल्ट लगा होता है अपने गियर चेंजर के अंदर, इससे आपको गियर मालूम कर लेने का। ये फर्स्ट गियर लग चुका है इसका, ये यहाँ पे सेकंड, थर्ड, और ये फोर। ये देख सकते हो इधर से घुमाता हूँ मैं तो ये सॉफ्ट घूम रही है, यानी कि चारों गियर अपने सही से काम करें। तो गियरों का काम हुआ इसका कंप्लीट, और अब बारी है इसमें
क्लच प्लेट फिट करने की, तो क्लच प्लेट को भी फिट कर लेते हैं इसके अंदर। ये हमने इसमें ये वाली पिन लगा दी है और प्राइमरी गियर लगा दिया है। ये क्लच होल हमने नया बनवाया है, तो अब अपन इसमें इस होज को फिट कर देते हैं। कुछ कंपनियां हीरो से भी, हीरो की जैसी आती है और कुछ कंपनियों के पार्ट्स आते भी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से अपने को चूज़ कर लेना होता है कि अपने को किस तरीके से या कौन सी कंपनी का पार्ट्स डलवाना है। तो अब अपन इसमें हीरो जेनियन की क्लच प्लेट चेंज करने वाले हैं, तो क्लच प्लेट को निकाल लेते हैं और ये प्रेशर प्लेट पे निकल चुकी है। ये देख सकते हो ये हीरो की, तो अब अपन क्लच प्लेट को इसके सेंटर के अंदर यहाँ फिट कर लेते हैं। तो पहले अपने को क्लच प्लेट लगानी लेनी है और उसके बाद में एक प्रेशर प्लेट लगानी लेनी है इस तरीके से, फिर से एक क्लच प्लेट और फिर से एक प्रेशर प्लेट इस तरीके से और फिर से क्लच प्लेट और ये प्रेशर प्लेट और फिर से ये क्लच प्लेट। ये अपना सेंटर हो चुका कंप्लीट और अभी इसको लगा लेते हैं फिंगर के अंदर। ये काम हुआ रेडी अपना, ये तो काम हुआ रेडी। इसको रख देते हैं यहाँ पे और लगाते हैं इसके वार्सल। तो अपने को इसके सारे वार्सल उसके बाद में अपने को ये वाला वार्सल लगा लेना है और उसके बाद में जो दो कट वाले वार्सल होते हैं, एक कट वाले वार्सल और ये कॉलर वाला वार्सल आता है, इसको यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से। और ये अपनी क्लच प्लेट, तो इनको भी आपको आसानी से इस तरीके से फिट कर लेनी है। ये अपनी क्लच प्लेट भी फिट हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये वाला पार्सल आता है और फिर इसके ऊपर ये बोल्ट आता है, तो बोल्ट को भी अपन इसमें लगा लेते हैं इस तरीके से। ये अपना इसका काम कंप्लीट और अब इसे कस लेते हैं। तो अपने को पहले ये इसका चार टांग वाला होल होता है, इसको लगा लेना है और इसको ये चकनट वाला इसका बोल्ट आता है और इसे कस लेना आपको इस तरीके से। हम सारा काम हाथ से करते हैं, तो हाथ का काम ज़्यादा सक्सेस देता है विदाउट मशीनरी के। तो मशीनरी में बोल्ट स्लिप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप इंजन फिट करो तो हाथ से ही सबसे बेस्ट रहता है, ये अपना तजुर्बा है। ये हमने इसको पूरा, ये हमने इसको कंप्लीट। अब बारी है इसकी स्प्रिंग और इसकी प्लेट लगाने की। तो इसकी चारों स्प्रिंगे लगा लेते हैं। ये चारों स्प्रिंगे लग गई और इसकी प्लेट और इसके चारों बोल्ट है, तो आपको इसके अंदर ये वार्सल लगा लेने हैं और बोल्टों को भी इसमें लगा देते हैं इस तरीके से। तो इंजन फिट करो तो सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है अपने को, सफाई से काम एकदम बेटर रहता है और इंजन की फिटिंग में सबसे अहम रोल होता है सफाई का और फिटिंग का। इस तरीके से आप इंजन फिट करोगे तो इंजन छिलेगा तो क्या, कस्टमर भी खुश होकर जाएगा
यार कस्टमर से पैसे लेते हैं इंजन फिट करने के, तो अपने को काम एक नंबर करके देना होता है। तो अपन ने क्लच इसका पूरा कंप्लीट फिट कर दिया है, अब बारी है इसके ऑयल पंप को लगाने की। तो ऑयल पंप इसमें अपने पास ये पुराना वाला ऑयल पंप था, ये गाड़ी सीज हो गई थी और इसकी क्रैंक की हालत, जैसा कि इंजन ओपनिंग का वीडियो आ चुका है आपके पास पहले ही, तो उस वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हो कि इसमें क्या क्या कमियां थी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप फुल इंजन ओपनिंग का वीडियो है वो भी देख सकते हो। ये ऑयल पंप हमने निकाल दिया है, इसका पुराना वाला ऑयल पंप है, इसमें अपन नया वाला ऑयल पंप डालने वाले हैं। ये हीरो जेनियन का ऑयल पंप है, ये देख सकते हो, और अपन इस वाले ऑयल पंप को इसमें डालने वाले हैं। तो इसकी क्रेन की हालत बहुत बुरी थी, और तब क्रेन वाले के पास हम काम करवाने गए क्रेन का, तो क्रेन खोलते टाइम ही एकदम से उसका पूरा बेयरिंग पिनियन बिखर गई, यानी कि क्रेन, यदि ये गाड़ी हमारे पास नहीं आती तो ये कस्टमर को रास्ते में कहीं पे भी धोखा दे सकती थी। तो अपन इसमें ये नया वाला ऑयल पंप चेक डालने वाले हैं इसमें, तो इसको इसमें डालते हैं। उससे पहले अपने को जो ऑयल पंप की ये वाली, इस तरीके से देख सकते हो आप, ये वाली पिन होती है, इसको पहले आपको यहाँ पे लगा लेना है इसके अंदर, और ऑयल पंप को, और इसके ऊपर जो अपने पैकिंग किट में सील आती है उसको लगाना है इसके ऊपर। तो ऑयल पंप को आपको एक बार नए को भी चेक कर लेना है, इस तरीके से इसमें ऑयल डालना है ऑयल पंप के अंदर, इस तरह से ऑयल डालने के बाद पेचकस लेना है ऐसा, और उससे आपको ऑयल पंप को चेक कर लेना है। ये देख सकते हो अपना ऑयल पंप भी सही से, ये नया वाला है। तो ये ऑयल पंप को हमने चेक कर लिया, अब आ रही है इसके ऊपर ये वाली पैकिंग लगाने की। तो इस वाली पैकिंग को भी इसके ऊपर लगा लेते हैं ऑयल पंप के ऊपर, और अब इसको इस तरीके से यहाँ पे गिरारी के अनुसार टाइमिंग की इसको फिट करने से पहले अपने को ये वाली डाउल होती है इसकी, इसको इसके अंदर बिठा लेना है। इस तरीके से ये बैठ चुकी है, और ये अपना ऑयल पंप इस तरीके से ऑयल पंप भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है, हमने सेट कर लिया। अब बारी है इसके स्क्रू लगाने की, तो ये वाले तीनों स्क्रू इसके लगा लेते हैं। ये तीन स्क्रू लग चुके इसके, और बारी इनको कसने की, तो इनको कस लेते हैं स्क्रू को, इसके स्क्रू। तो भाई अब इसका अपन बेड फिट कर देते हैं, ये बेड फिट हो चुका है इसका, और अब बारी इसके बोल्ट लगाने की। तो इसके ऊपर पहले अपने को ये वाला वार्सल लगा लेना है, और उसके बाद में अपने को इसका बेड वाला, ये वाला बोल्ट होता है, इसको बोल्ट को यहाँ पे कस लेना है इस तरीके से। और अपने पास वेट का पुलर है, इसको यहाँ पे कर देते हैं फिट, और वेट के पुलर को इस तरीके से। तो भाई हमने इसका पूरा क्लच फिट कर लिया है, अब बारी इसके क्लच कटोरे को लगाने की। का सारा क्लच का सिस्टम हमने पूरा फिट कर दिया है, अब बारी है इसमें सिलेंडर किट डालने की, और इसकी रिंगे फिट करके पिस्टन को बैठाने की। तो ये अपने पास हीरो का जीनियस सिलेंडर किट है, इसके साथ ये हाफ पैकिंग किट मिल जाता है, और ये इसकी जो पिस्टन वाली पिन है, ये पिस्टन वाली पिन है इसकी, तो इनको भी रख देते हैं यहाँ पे। और ये इसका सिलेंडर किट, ये इसका सिलेंडर अपने हाथ में, और ये यहाँ पे इसकी रिंगे, ये देख सकते हो इसकी रिंगे यहाँ पे हमने रख दी, और ये इसमें पिस्टन लूज आता है, इधर से छोड़ने पे पूरा जाता है, ये देख सकते हो ये हो गया। तो अपन इसमें सिलेंडर किट डालने वाले हैं, सबसे पहले अपन इसकी
रिंगे बिठा लेते हैं। उससे पहले अपने को करना क्या होगा, इसका एक तरफ का लॉक लगा लेना होगा। और पिस्टन को किस प्रकार से फिट करना है, पिस्टन रिंग का वीडियो हमने अलग से ही बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में भी हमने वही बात बताई है जो उस वीडियो में बताई है। जो इसका IN वाला हिस्सा होता है ये ऊपर की तरफ रहता है, और जो GNS लिखा होता है वो नीचे की तरफ रहता है। तो अपन इसकी सबसे पहले रिंगे फिट करने वाले हैं। उससे पहले अपने को इसके एक साइड का जो पिस्टन का पिन का ये वाला लॉक होता है, ये लॉक लगा लेना होगा। तो वो लॉक अपन पहले लगा लेते हैं। पिस्टन के अंदर हमने ये लॉक फिट कर दिया है, और इसमें पिस्टन निकला है उषा का, हीरो में उषा का पिस्टन निकला है ये सिलेंडर के अंदर। तो अब इसको अपन इसमें रिंगे फिट करते हैं। पहले तो रिंगों को किस प्रकार से फिट करना है आपको, मैं एक बार आपको इसके कैप्चर से समझाऊंगा आपको निशान लगा के। मैं तो ऐसे ही फिट कर सकता हूं, लेकिन कई मैकेनिक भाई को रिंगे एकदम कंपनी अकॉर्डिंग फिट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उस हिसाब से मैं आपको रिंगे फिट करना बताऊंगा। तो आप ये निशान देख रहे हो यहाँ पे, इससे मार्का करना है यहाँ तक इस तरीके से, और यहाँ पे, और यहाँ पे लगा लेना है एरो का चिन्ह, ठीक है। वही दूसरी ओर आपको यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस करनी है, यहाँ पे ये मार्का लगा लेना आपको। वही इसके इधर की तरफ भी आपको वही सेम प्रोसेस करनी है, ये मार्का लगाना है यहाँ पे। अगर कंपनी अकॉर्डिंग आप रिंगे फिट करोगे तो, और वही इस तरफ भी आपको उसी तरह से मार्का करना है, और ये यहाँ पे इस तरीके से आपको तीर का चिन्ह लगा लेना है। ये देख सकते हो, ये हमने इस तरीके से कर लिया है। और अब बारी है इसकी रिंगे निकालने की, तो रिंगों को भी निकाल लेते हैं। ये इसके अंदर से हमने निकाल लिए रिंगे, ये इसकी रिंगे निकल गई है। और अब बारी है रिंग, ये होती है एक्सपेंड रिंग जो ऑयल को घुमाने का काम करती है, और बाकी ये दो होती है इसकी कंप्रेसर रिंग, और ये ऑयल रिंगे होती है बारीक वाली। तो इनको रख देते हैं फिलहाल यहाँ पे। तो ये वाली जो एक्सपेंड रिंग होती है अपनी, जो ये, तो इसको आपको M टाइप में सेट करना होता है। M टाइप में आपको इसे बीच की तरफ सेट करना है, यहाँ पे, यहाँ पे बीच में सेट करना है इसे इस तरीके से। ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, और अब बारी है इसकी ये वाली रिंग सेट करने की, जो इसकी ऑयल रिंग होती है। तो ऑयल रिंग को सबसे पहले आपको ये वाला मार्का दिख रहा है, इस वाले मार्के पे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की नहीं नीचे की रिंग सेट करनी है, जो एक्सपेंडर रिंग की नीचे वाली रिंग सेट करनी है आपको इस तरीके से। ये नी, ये रिंग सेट हो चुकी है नीचे की, ये बिल्कुल अपने मार्के की तरफ, यहाँ पे एक मुंह इसका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये दूसरी तरफ की रिंग है, तो इसको अपन सेट करने वाले हैं इसके अपोजिट, अपोजिट बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से सेट करने वाले हैं यहाँ पे जस्ट सामने। तो इसको ऊपर वाली करना है यहाँ पे लगाना आपको, और इसको ऐसे आसानी से खींच के यहाँ पे फिट कर देना इस तरीके से। ये अपनी बिल्कुल फिट हो चुकी नीचे की। अब बारी है टॉप वन और टॉप टू। तो सबसे पहले अपन टॉप टू को सेट कर लेते हैं। टॉप टू को किस प्रकार से सेट करना अपने को, टॉप टू को रखना जो जो फर्स्ट वाली रिंग डाली है हमने, जिसका मुंह नीचे है, जस्ट उसके इधर की साइड, इसकी अपने सामने रखी है, तो इसके इधर की साइड यहाँ पे रखना है टॉप टू को, यहाँ पे डालना है, और इसको इस प्रकार से यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। ये हो चुकी बिल्कुल यहाँ पे फिट इस तरीके से, ये देख सकते हो। अब आ रही है टॉप वन की, तो टॉप वन की जस्ट इसके अपोजिट रखने वाले हैं अपन यहाँ पे, टॉप वन को यहाँ पे रखने वाले हैं इसके अपोजिट, इस तरीके से
यहाँ पे लगा के इसको इस तरीके से फिट, इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट करना आपको। ये हो चुकी, इधर देख सकते हो आप, इसका इसका मुंह यहाँ पे है और नीचे वाली का यहाँ पे है और बिल्कुल इसके अपोजिट एक का मुंह यहाँ पे है और एक का यहाँ पे है। तो आपको इस तरीके से रिंग फिट करनी है और अब अपन इसको इस तरीके से लगा लेते हैं। ये इंजन को थोड़ा सीधा कर देते हैं इस तरीके से और आपको इस तरीके से बिठाना है, इस तरीके से पिस्टन को। कई मैकेनिक भाई सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगाकर फिट करते हैं, तो अपन इस तरीके से फिट करने वाले हैं। अब अपन इसमें ये अपने पिस्टन पिन पर थोड़ा बहुत ऑयल भी लगाया है, तो इस तरीके से आपको इसको फिट कर, ये हमने पिस्टन पिन को इसके अंदर डाल दिया है। और अब बारी है इसके रिंगों के ऊपर ऑयल लगाने की, तो आपको सबसे पहले रिंगों के ऊपर भी थोड़ी बहुत ऑयलिंग कर लेनी है, जिससे क्या है रिंगे घूमने के चांसेस कम रहते हैं। तो रिंगों के ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको अंगुली पे ऑयल लेना है और इसकी रिंगों के ऊपर थोड़ी बहुत ऑयलिंग कर लेनी है, ताकि अपनी बाइक फर्स्ट बार स्टार्ट हो तो कोई दिक्कत ना आए। तो जो एक लॉक बचा है अपना, तो इस लॉक को भी अपन इसके अंदर लगा लेने वाले हैं। तो इस लॉक को भी यहाँ पे इस तरह से आपको अंगुली रखनी है और इस तरीके से छोटा वाला पेचकस लेना है और आपको इसको भी दबा के तो इसमें जो हीरो वाली ये वाली पैकिंग निकली है हाफ पैकिंग किट, तो अपन ये वाली पैकिंग ही इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इस पैकिंग के ऊपर अपने को कोई बॉन्ड का यूज़ नहीं करना है। इस वाली पैकिंग को लगा देते हैं इसके अंदर, ये वाली पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो भाई ये इसके अंदर आपको ऑयलिंग कर लेनी है थोड़ी बहुत पहले, और आपको इस तरीके से सिलेंडर को पकड़ना है और इस तरीके से रिंगों की सावधानी रखते हुए आपको सिलेंडर किट को इस प्रकार से इसकी इसको इस तरीके से आपको रिंगों को बैठाते जाना है। इस तरीके से ये वाली रिंग भी बैठ चुकी है। तो भाई ये पिस्टन को इसके अंदर डाल लिया हमने और ये सिलेंडर किट बैठ चुका अपना इस तरीके से देख सकते हो। तो भाई अब करना बाकी है अपने को इसका हेड फिट, तो हेड भी इसका ये इसके सिलेंडर किट का पूरा काम कर लिया हमने और ये देख सकते हो इसमें रिंगे भी फिट कर दिए हमने और इस तरीके से ये सिलेंडर किट को बिठा दिया। अब बारी है हेड को क्लीन कर हेड को इसमें बिठाने की, तो हेड को भी अपन इसके अंदर फिट कर देते हैं और फिर बाइक के ऊपर इंजन को चढ़ा के आपको स्टार्टिंग इसकी दिखाते हैं कि इसकी कैसी स्टार्टिंग है और इसकी टाइमिंग चेन भी इसमें डाल लेते हैं पहले। तो भाई वीडियो में बने रहना, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो भाई ये यहाँ तक अपने कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है इसके हेड को फिट करने की, तो इसके हेड को भी फिट कर देते हैं। ये इसका हेड भी, ट
टाइमिंग चेन को आपको इस तरफ से निकाल लेना है और ये अपना हेड भी हो चुका यहाँ पे फिट। अब बारी इसकी टॉप प्लेट लगाने की, टॉप प्लेट को भी लगा लेते हैं इसकी को। तो भाई ये टॉप प्लेट की पैकिंग लगा दी हमने और इसको जो ये एग्जिट वाला हिस्सा होता है ये नीचे की तरफ होता है, तो अपने को इसको इस तरह से फिट करना है। और तो भाई जो ये एलुमिनियम वाला वार्सल होता है इसको अपने को जो ऑयल आता है यहाँ से तो यहाँ पे लगाना है, और बाकी ये तीन वार्सल होते हैं इनको यहाँ पे लगाना है और इसके स्क्रू ढेबरियों को इस तरीके से सेंटर की ढेबरियों को चारों को इस तरीके से लगा लेना है और फिर इन्हें कस लेना है। तो भाई आपको पहले जो कैम साफ्ट है इसको फ्री कर लेना होगा टाइमिंग की, टाइमिंग करने से पहले। तो ये फ्री हो चुकी है बिल्कुल और अब इसकी टाइमिंग करते हैं अपन। तो अपन चाबी से टाइमिंग बनाने वाले हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पर रखना है आपको इसकी तरफ जो मैग्नेट चाबी है इसको यहाँ पे प्लस, और फिर आपको इसकी टाइमिंग मिला लेंगे। तो इसकी टाइमिंग आपको इस तरीके से बिठा लेनी है। चक्के के ऊपर इस तरीके से चढ़ा लेनी है और इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी है। ये देख सकते हो ये वाला कट और ये कट, ये बराबर रहता है। और रही बात इसके बोल्टों की, जो बोल्ट खींचते हैं नट, तो ये भी सुध में इसकी सिध में यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये अपनी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी है। बारी इसके जो 8 नंबर के बोल्ट खींचने की, तो ये वाले बोल्ट भी इसके यहाँ पे खींच देते हैं। ये 8 नंबर के बोल्ट भी अब इसके लगा दिए हमने और ये इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी। इसके बोल्ट कंप्लीट। तो इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी है और अब बारी इसके स्प्रिंग लगाने की और पुश रबड़ लगाने की। ये इसका यहाँ पे हमने पुश रबड़ इसके अंदर डाल लिया है और ये यहाँ से इसने को उस रबड़ को ऊपर की तरफ दबाना है ये यहाँ पे, और ये स्प्रिंग आती है इसके नीचे तो स्प्रिंग को भी लगा लेना अपने को। तो ये इसकी स्प्रिंग यहाँ पे लगा दी हमने और ये 14 नंबर का नट है जो यहाँ पे लगता है स्प्रिंग के नीचे, तो इसको भी अपने को लगा लेना होगा। इस तरह से आपको इस वाले नट को यहाँ पे लगा लेना होगा इस तरीके से। ये इसका कट रबड़ जो यहाँ पे लगता है, ये कट रबड़ भी हो चुका है यहाँ पे फिट। और अब बारी इसकी प्लेट लगाने की जो कोयलों सहित लगती है, और टाइमिंग को हमने पूरी तरीके से मिला ही दिया है और इसके सील किट डालने की, तो वो सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। इसमें हमने पूरी डिटेल में इंजन में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से फिट करना है, सारा सब कुछ एकदम डिटेल में समझाया है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।